Hey guys, welcome to my channel. मेरा नाम ज्योति है और स्वागत है सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर. जी हाँ, ये स्वीट डेजर्ट की रेसिपी हम देखने वाले हैं. हमारा मन करता है कि हमें कुछ स्वीट खाना है और वो जल्दी से बन जाए और बहुत ही कम सामग्री में जो इजीली अवेलेबल हो तो बनाएंगे. हम रोज़ खिला सकते हैं छोटे बच्चों को, जो जन्म से लेके एक साल तक के बच्चे होते हैं, जिनको दांत अभी तक नहीं निकले होते हैं, उनको इस तरह से फिरनी आप खिलाइए एकदम से हेल्दी और बहुत ही आसान पचने में भी. तो देखिए, पैन में मैंने घी डाला है. घी में बनानी है हमें ये प्लेन फिरनी और उसमें मैंने एक गिलास दूध डाला है. आप जिस मात्रा में बनाना चाहते हैं उस मात्रा के हिसाब से आप दूध लीजिए. तो इस तरह से मैंने एक गिलास के लिए लगभग 2 टेबलस्पून इसमें चीनी डाली है. रोज सिरप जो होता है वो मीठा होता है, आप थोड़ी कम चीनी भी डाल सकते हैं. तो रोज सिरप जो है उसके फायदे मैं अगर बताऊँ आपको तो वो हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है. तो देखिए, इस तरह से ये चावल की पेस्ट है, पके हुए चावल की पेस्ट लगभग 2 टेबलस्पून मैंने ली है. इसे हम अच्छे से उबलते हुए दूध में डाल देंगे और उसमें बिल्कुल गाठे ना रहे इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे. गैस की फ्लेम हम थोड़ी से हाई रखेंगे और इस तरह से मीडियम से हाई फ्लेम पे हमें 5 मिनट भी ज़्यादा हो गए, 2-3 मिनट में मस्त अच्छे से ये पक जाता है. एकदम से गाढ़ा मिश्रण बन गया है. देखिए इतना सा बच गया. एक बाउल में लगभग 3 टेबलस्पून पिसी हुई चावल की पेस्ट बन जाती है. तो देखिए, इस तरह से लगभग 1 कटोरी ये हमारा प्लेन फिरनी या फिरनी का बेस बन गया है. अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे. बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, बनाना बहुत ही आसान है. तो ये बाजार में मिलता है रोज सिरप. तो देखिए अब हमें किस तरह से ग्लास में इसे पीने के लिए बनाना है, प्रेजेंट करने के लिए सर्व करना है. तो ग्लास में सबसे पहले मैंने प्लेन फिरनी डाल दी है. आप अलग अलग फ्लेवर में फिरनी बना सकते हैं. मैंगो फिरनी का वीडियो मेरा अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर देखिए. तो इस तरह से अब ऊपर मैं उसमें रोज सिरप डालूंगी. मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दिया है. आप प्लेन फिरनी चाहे तो थोड़ी गर्मा गर्म भी बच्चों को खिला सकते हैं या फिर इस तरह से ठंडा ठंडा कुल कुल क्रीमी पुडिंग बोल सकते हैं हम इसे. क्रीमी मस्त ये हमारा स्वीट डेजर्ट. इसके ऊपर मैंने डाल दी है इलायची पाउडर. जी हाँ, इलायची पाउडर से बहुत ही बढ़िया स्वाद आ जाता है इसमें. थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, मनुका, टूटी फ्रूटी. तो बस बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से हमारी रोज फिरनी रेडी. झटपट हमारा स्वीट डेजर्ट. स्वीट में क्या बनाएं, सिर्फ 1-2 मेनू हमें याद आते हैं तो हमारी लिस्ट में और एक मेनू ऐड हो गया, हमारी मस्त स्वीट पेरी पेरी रोज़ फिरनी. जी हाँ, रोज़ जो होता है वो हमारी कब्ज की समस्या में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है. हमारी पेट फूलने की समस्या होती है तो उसमें भी रोज़ सिरप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है. गुलाब की पंखुड़िया से भी हम अलग अलग रेसिपी बना सकते हैं. गुलकंद, रोज सिरप. तो इस तरह से प्यारी प्यारी रोज़ फिरनी आप ज़रूर बनाइए. और इसे बनाने का तरीका कैसा आपको लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए. बहुत ही गाढ़ी क्रीमी बनती है रोज़ फिरनी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है. आप इसमें देखिए मैंगो फिरनी, रोज़ फिरनी, आप इसमें बॉयल सिवैया, जो फालूदा की सिवैया होती है वो बॉयल करके इसमें डाल सकते हैं. बॉयल चिया सीड्स होते हैं, भिगोए हुए चिया सीड्स होते हैं वो डाल सकते हैं. तो इस तरह से आप इसे और भी हेल्दी और टेस्टी बना सकते हैं. तो ज़रूर बना के देखिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए. चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए.